नमस्कार, मु अंगुरबाला पोरिडा। मो पाखे अच्छा डॉक्टर ऋषिकेश मल्लिक, उत्तर सतुरी काव्यधारा जने बहुचर्चित काव्यशिल्पी, ओडिशा साहित्य एकेडमी पुरस्कार, केन्द्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार, सारला सम्मान, झंकार विशुभ सम्मान, भानुजीराव स्मारकी सम्मान भली बहु संभ्रांतीय संवर्धनार स्वर्णिम मुकुट जहाँ मथार सुशोभित। धान साउटा झीठ बछा बछा कविता जाए पखापाखि 13 कविता संकलन सहित प्रबंध अनुवाद क्षुद्र गल्प समालोचना स्तंभ लेख फीचर शिशु साहित्य पुस्तक गवेषणा ग्रंथ संपादना इत्यादि बहुत विभाग में पखापाखि 50 ऊर्ध पुस्तक रचयिता डॉक्टर ऋषिकेश मल्लिक। एवं आसतु आम साहित्य संपर्क सारू कि जाना। सर नमस्कार। नमस्कार। उत्तर आधुनिक बा 70 कविता साहित्य रे आपण जेते बड़े कवितार त्वचा उपरे दुर्बोध्यतार एक कठिन आवरण थिला से समय रे आपण जने तरुण कवि भावे धान साउटा झीअर लुहरे धोई ता ललित पणतरे पोछि जनजीवन भाषा को शब्दायित करी लोकप्रिय होइथिले। तेणु ये जो नुआ रास्ताटी एकला चलबार जो दंभ आउ निष्पत्ति एटा आपण केमती नेले? 70 मसीहा परे ओडिया कविता केवल नुहे भारतीय कविता को आपण लक्ष्य करिवे जे समग्र भारतवर्षर विभिन्न प्रांतीय भाषा रे जो कविता रचना होइछि सेतेबेले गोटे संधिक्षण आसी पहुँचिछि। से संधिक्षणटा आसीछि एथि पई जे द्वितीय विश्वयुद्ध परे जो पृथ्वी बदली जाइछि विशेषकर टीएस एलियट एजरा पाउंड एवं अन्य प्रभावशाली कवि मानकर कविता विशेष भाव रे विभिन्न भारतीय कवि केवल नुहंती विश्वर बहु भाषार कवि द्वारा अनुसृत होइछि एवं गोटे पाश्चात्य अनुवर्ती धारा ओडिया कविता को आसीछि। आपण देखंतु जेतेबेले गोटे पाश्चात्य चेतना गोटे साहित्य भितरक आसब बा कविता भितरक आसब से तार सुगुण सहित केते गुड़े दुर्गुण मध्य नहीं आसब जमी नई बड़ी हुए नई बड़ी रे पटुमाटी आसे और पटुमाटी रु भल फसल उत्पन्न हुए किंतु से नई बड़ी रे मध्य अनेक विपर्य सृष्टि हुए अनेक घर द्वार भांगे जनक्षय हुए एगुड़ाक मध्य घटे से भाव पाश्चात्य चेतना जो आसला से जो कवि मैंने सब ओडिया भाषा रे बा अन्य भारतीय भाषा रे कविता रचना कले आप लक्ष्य करेंगे से माने समस्त एकेडमिशियन पोएट बा ब्यूरोक्रेसी भितर आसता कवि अधिकांश प्रशासनिक व्यवस्था भितर आसता कवि बा एकेडमिक बा विश्वविद्यालय बा महाविद्यालय स्तर रु आसता कवि विशेषकर इंग्रेज शिक्षित एवं विशेष भाव इंग्रेजी साहित्य रे दखल थिबा कवि बा से इंग्रेज साहित्य को अनुसरण करथवा कवि फल से माने कोन करले जो ओडिया कवितार जो धाराटा सचिन राउतरा पूर्व गले राधानाथ सत्यवादी सबुज देखी गढ़ी आसला से कवितार जो धाराटा जोटा भाषा बा भाव से सहित परिचित नथिबारु से माने गोटे असंलग्नता कवितार प्रकाश पाइला भाषा परिच्छन्न हला नाही भाषा जो भाषा सहित ओडिया पाठक परिचित थिला से भाषा मध्य कवितार व्यवहार कले नाही फल गोटे आर्टिफिशियल कृत्रिम वातावरण सृष्टि होला ओडिया कवितारे एवं से द्वारा पाठक माने विशेष भाव में वितस्पृह हेले ओडिया कविता प्रति भारतीय विभिन्न भाषा एकता होइछि वितस्पृह हवा फल आपण माने देखिबे जो सेतेबेले कविता पाठ बहुत हटोत्सव होतला सेतेबेले मु लक्ष्य करिछि सबुटी कविता पाठोत्सव भितर पाठक माने विशेषकर प्राख्याल बाहर को चल जाउथिले कवितार मुह बुड़ी दूसरे तार कारण हूँ कविता से मानक ना भाषा मुग्ध कर शब्द क्लिष्ट था भाव असंलग्नता था विच्छिन्नता बोध था कह सहित कह संलग्नता ना फल यही एक परिवेश भितर आम कविता रचना करूँ मुझ विशेषकर जो कविता रचना कर देख ली सब होते मुझे चेष्टा कली आम जो भाषा कथा कहूँ जो गाँव में बढ़ीचु जो संस्कृति भितर आम लालित होचुँ जो भाषा साधारण पाठक को जो सुबोध हम हाँ केवल सुबोध नुहे सुबोध हो पारे कि सुबोध सहित मत अर्थवह हम गभर अर्थ प्रकाश पा
सुबोध हवा सहित गभीर अर्थ प्रकाश पाउथिले आपनकर सुबोध लागुछि भाषा कि तादर बहुत गभीर तात्पर्य रहिछि जो स्तर उडाक मध्ये कविता रहबा कथा तेणु करे सेतबेले आमे सेई परिवर्तन के ज्ञातसार रहिछि आमर सकता नहि आमे लेखु लेखु गोटे अलगा धारा जीवाप चिंता करू करू धीरे 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 आस्ते आस्ते आ गोटे नुआ कवितार धारा फुटी उठी जो कवितार धारा को लोके समालोचक माने उत्तर आधुनिक बोली कहउचंती किंतु से धारा संपूर्ण भाव जो तथाकथित आधुनिकता ताठर निश्चित भाव स्वतंत्र कविता सत्यर कौन समाज को बदल देवार क्षमता रखे यार सत्यता और वास्तवता थिले जेते कविता वर्तमान पर्यंत लेखा सरिलेणी ए समाज तो बहुत सुधुरी सारंताणी बर आज समाज दिनक दिन अधगति हो चली संपर्क आपणकर प्रतिक्रिया कौन कविता किसी गोटे महोत्सव नुहे खुक नुहे लेखा सरिया मात्र समाज को बदलेद कविता गोटे चेतन गोटे गोटे जागरण सृष्टि करे पाठक चेतन पाठक गोटे पाठक को सांप्रतिक समकालीन समय विभिन्न परिवेश घटनावल प्रति सचेतन कराए एवं सचेतन करवा द्वारा पाठक भितर गोटे जागरण आसे जे एटा हबा उचित एटा हबा उचित नुहे से प्रशासनिक विफलता हो बा कोनोसी प्रकार सामाजिक विफलता हो अर्थनैतिक विफलता हो समाज सबुबले भोगी चली थाए एभली एक अवस्था रे कविता लिखिदेला मात्र जे समाज बदली जिवे एपर आशा करबा उचित नुहे। अच्छा एई परिप्रेक्षी में आपन को पचारिबे आमे जे कविता कविता तो जुगे जुगे तार आधुनिक हे ही थाए गोटे प्रति मुहूर्त जे तबड़ा नई तार मोड़ बदलले ही ताहि आधुनिक तबे आधुनिक उत्तर आधुनिक भितर कोन प्रभेद आपन लक्ष्य करंती उत्तर आधुनिक बोली किछि शब्द अछि ना ता एमति मनगढ़ा शुणु आधुनिक बोली किछि शब्द मध्ये नै जदि आम आधुनिक शब्द व्यवहार करुचे कविता तो कविता आधुनिक कौन पुरातन कौन सारला दास भी आज दिन में आधुनिक तेणुकर सारला दास कविता को आधुनिक कौचे कि समय तार मान से समय को जब मोड़ बदल प्रत्येक समय कविता हूँ से समय समकालीन सांप्रतिक से समयटा जो चली जाए से आम कहू से प्राचीन एवं तापर जो समय कविता लिखा जाए जो तार जो स्वर बदली जाए से आम कहू आधुनिक तेणु आधुनिक जो शब्दा व्यवहार करूँ गोटे निर्दिष्ट समय कविता को चिन्हपाई आधुनिक व्यवहार करा विशेष भाव में ऊनविंश शताब्दी शेष और विंश शताब्दी शेष पर्यटन जो कविता लिखा होता विशेष कविता को आम विशेषकर आधुनिक कविता बोली कहूँ जहाँ विशेषकर द्वितीय विश्वयुद्ध परवर्त समय कविता को अति आधुनिक भाव में चिन्हित कलु किंतु ये आधुनिक कवितार विरुद्ध बा विपक्ष रे प्रतिपक्ष रे जो कवितार स्वर आसला कवितार भाषा बदलला ताकू कौन जदि आम आधुनिक कहवा से आधुनिक ये आधुनिक भितर फरक कौन तेना समालोचक मान जिते बेला समालोचन अलग करने को चाहिए से चेतना ठूँ से कविता ठूँ ये कविता को से गोटे ये टर्मटा को समग्र विश्व समालोचना साहित्य ग्रहण करत्तर आधुनिकता बोली नाम देक लोक विस्मयकर कथा जो अनेक लोक आगुरी नई नदी को लंगला हूँ कहते उत्तर आधुनिकता पर कौन ना दब उत्तर उत्तर आधुनिकता सर्वोत्तर आधुनिकता ये हूँ कपोल कल्पित यार कौन से अर्थ ना कारण से कौन ना दिज्व से समय से कथा कह से समय पहुँचा पर्यटन अपेक्षा कराऊपाई प्रस्तुत होना कविता को चिन्हित करूँ किसी व्यस्त हो आवश्यकता ना आपण कविता लिखे प्रक्रिया केमी मानने अंतर्मन आवेग चालित हो लेखती ना कविता लिखा ना कविता गढ़ती माने आवेगर प्राबल्य कवितार बौद्धिकता को नष्ट करेनि कि सुनंतु दीटा जाक नथिले कविता हबनि जदि आपण भितर आवेग ना तले आपण भितर जदि कोटे कथा को प्रकाश करिया पई उत्कंठा ना आपण जदि सीता द्वारा प्रभावित होना आप भितर जदि गोटे हाबुका भली नई पानी रे हाबुका भली न उठुची तले आपण लेखिबे केमिति किंतु से आवेगटा जे सर्व सबकि नुहे से आपड़ गोटे कविता लिखि सारापर कविता पढ़ुं कविता बदलाउं आप रवीन्द्रनाथ देखिए हाथ लेखा टीएस एलियट हाथ लेखा डब्ल्यू बीट्स हाथ लेखा जिते बड़ बड़ प्रसिद्ध कवि अच्छा समस्त देखिए सचिन राउत हाथ लेखा देखिए समस्त कविता पांडुलिपि केतर बदली केतर कटाकटी होती तेणु प्रथम जो आवेग आसी आवेग भितर जो प्रकार
माने जो प्रकार अस्पृहणीय कथा सब रही परवर्ती अवस्था से कवि जो निजे पढ़ से जापर जे कवितार मोर यही दोष त्रुटि अच्छी तेणु से बदलाए से बौद्धिकता कम कै आवेग और बौद्धिकतार उत्तम सन्धि ना कौन सफल कविता पृथ्वी में लिखाही कि ओडिया भाषा लिखाही पार्बना। अच्छा कवि ऋषिकेश मल्लिक जदि कविता लिखि न था समाज साहित्य किसी क्षति होता भावुंत कि कौन सी कथा क्या अटकी जीवन जदि समाज में गोपबंधु दास जन्म ही न था जदि समाज में महात्मा गांधी जन्म ही न था ताल समाज में किसी क्षति हो न था कहीं ना कहीं लोक आसी से कम करता सेम द्वारा ऋषिकेश मल्लिक जदि कविता न लिखि था तेल हूँ तो अंगुरवाला परिड़ा नाम कवि आते सी कविता लिखि था तेणुक जड़े लोक से समय अच्छी और कविता लिखुची से कविता को आम पढ़ुचे सी जो न था निश्चय अन्न विकल्प होता है अन्न कई कवि स्थान आसी जो कमटा ऋषिकेश मल्लिक करमटा को से भाव में ताठी भल भाव कर। अच्छा कवि आउ सिंहासन के मधुर संपर्क न था कवि ऋषिकेश मल्लिक ओडिशा साहित्य अकाडेमी सभापति ऋषिकेश मल्लिक ए दी जन भितर आपण केमिते समन्वय रक्षा करि थांति कवि एवं शासक शासन गादी ये सब भल संपर्क न था विश्वास करेनि। पाब्लो नेरुदा जड़े प्रशासक थे पाब्लो नेरुदा जड़े बुद्धिजी कूटनीतिज्ञ थे पाब्लो नेरुदा युद्ध क्षेत्र जाए कम करूटनीतिज्ञ भाव में विभिन्न देश में कम कर प्रतिनिधित्व कर सरकारी कलर कथा तेनाली पाब्लो नेरुदा कविता भली पृथ्वी प्रसिद्ध कविता किसी अच्छी जो कविता को प्रति कथे आम उद्धति दौचे और उल्लेख करुचे किम से कथा संभव है रवीन्द्रनाथ टागोर से राजपरिवार कविटे तार कविता सहित जेकोसी कार्य भी करी पारे कवितार वृत्ति जहाँ करें तार सामाजिक अवस्थान जहाँ हो पारे चेतन से कविता लिखुच से चेतना स्तर में सी तार से कविता लिखुची से गोटे अलग मनुष्य और शासन गादी में बसला बेले से अलग मनुष्य दुईटा को केवे कवि मिसेबे भल कवि दुईटार केवे मिश्रण संभव हुए ना। अच्छा आप कविता लिखा समय गणमाध्यम सहित संप्रक्त अच्छा गणमाध्यम जरिया अर्जन करता जो अभिज्ञता अनुभूति सब सर आपण को ए कविता लिखिबार किछि परिमाण सहाय्य करिछि कि जेतले पाठ पढ़ुथिली सेही समय रे एमए पढ़ुथिली उत्कल विश्वविद्यालय रे सेही समय रे गोटे संवादपत्र जे कि से समय एक नुआ चिंताधारा रो परिवर्तन आनथला संवादपत्र क्षेत्र रे धरित्री संवादपत्र जोटा कालिंचरण पाणिनायक झियो तत्कालीन मुख्यमंत्री नंदिनी शतपथी द्वारा प्रतिष्ठा होता से खबरकगज में मुझ सब एडिटर भाव में सह संपादक भाव में कार्य कर सुजोग पाई किदिन रही कार्य कलापर से धरित्री जो साहित्य पृष्ठा रवि रविवासी पृष्ठा ताकू संपादना कर यही कथा कला बेले से ओडिशार जो मफसल संवाद संपादना करी इंग्रेजी संवाद एवं बंगला संवाद को ओडिया को आकु अनुवाद करी ये सब कथा बेले पृथ्वीटा बर्तमान केमी चली पृथ्वी दृश्यपट कौन एगुड़ा सब मुझे जानूली से गुड़ा जाणी फल कौन होता मुझ कविता लिखला बेले साधारण मनुष्यटा सब सामना को आसूल मतलब दिशुला से गाँव से मनीषटार केमी अच्छी तार दुख कौन तार शोक कौन समाज असुविधा कौन से समय देखुली से समय जरूरकालीन परिस्थिति से समय होता जरूरकालीन परिस्थितर जो प्रकार अव्यवस्था होता मुझे आखि आगे देखी ये सब कथा मिसिक मोर कवित जो प्रभाव पक न एक कहीहब ना कवि तो निजे कहीपर ता कवितर केत दूर प्रभाव पड़ी से आपण मैंने कहे ना समालोचक मैंने कहे केत दूर मत गणमाम कथाटा मोर कविता को प्रभावित करना धान साउटा झीठू मान आप जो सरी जाइए अपुरा पर्यत मान ये दीर्घ जात्रा पथ कवितार ये जो गतिपथ एटा नाना भाव में परिवर्तन होवर्तन हो ज्ञातसार ना स्वतस्फूर्त भाव पर लक्ष्य कर देखिए समय ता काम कर चलिए आम बर्तमान बसिक साक्षात्कार जड़े कैमरामैन जड़े रेकर्डिंग कर समस्ते समस्त काम कर समस्त ज्ञात सारेटा हूँ अज्ञात सारेटा हूँ कारण आम जो कविता लिखि चली समय तार आमर अज्ञात सारे छाप पक पक चली बर्तमान मुझे गोटे कविता लिखिले कदापि बौद्ध गान धुआ शैली लिखिपरिनी कि से समाज कथा लिखिपरिनी बर्तमान मुझे लिखी यूक्रेन रुषिया युद्ध हो दृश्यपटर कथा मानसिकतार थी तेणुक समय हूँ बड़ कार्य सी तार सब कथा छाई पक पक चली कवि सचेतन हो
ବା ସଚେତନ ରହୁ। କବି ସଚେତନ ନଥିଲେ ସେ ଛାଇ ପକେଇବ, କବି ସଚେତନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଇ ପକେଇବ। ତେଣୁ ସମୟକୁ ଡେଇଁକି ସମୟକୁ ଲୁଚିକି କୌଣସି କବି କେବେ କବିତା ଲେଖିପାରିବନି ତା ଜୀବନରେ, କାରଣ ସବୁରି ଉପରେ ଗୋଟେ ସତ୍ତାଧିକାର ଅଛି କେବଳ ସମୟର ଏବଂ ମହାକାଳର। ସେ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାଳର ବା ସମୟର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ଶ୍ରୀମା ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଆଉ କାବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ କବିତାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଯେତେବେଳେ 1971 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାଠଚକ୍ର ମାନ ସବୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠିତ ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେଜଣ ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସେ ଆସିକି ସଂଗଠନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି, ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଭିତରକୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପଶିଲି, ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପଢ଼ିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଚମତ୍କୃତ ହେଲି ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଧାରଣ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଭଳିଆ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବାବାଜୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ 40 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମଗ୍ର ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସେ ସିଦ୍ଧି ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଘରଟି ଭିତରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଭିତରେ ତାରି ଭିତରେ ରହିକି ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯୋଗ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାମାନେ କବିତାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ କବି ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନହେଲା ସେ ସମାଜରେ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ କାଳ ତା କବିତାକୁ ମନେ ରଖିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାରେ ଆପଣ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହେଉ ବା ସମାଜ ଚେତନାକୁ ହେଉ ଯାହା ବି କବିତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବେ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାନେ କ'ଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚେତନାକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରିତ ସ୍ତରକୁ ନେବା। ଯଦି ଜଣେ କବିର କବିତା ସେ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ଚେତନାରୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ସେ ଉଠିପାରିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଳିଷ୍ଠ କବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ କବି, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଯେତେ କବି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ିଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନସିକ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ କବିତାଟି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚେତନାରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୋତେ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ବହିଟି ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ପୋଏଟ୍ରି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପୋଏଟ୍ରିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ୟୁଚର୍ କବିତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖାଯିବ ସେ କବିତା ଆଉ କବିତା ହେବନି, ସେ ମନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବ। ମନ୍ତ୍ର କେତେବେଳେ ହୁଏ ଗୋଟେ କବିତା? ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଯାସ, ଅନୁଭବର ନିର୍ଯାସ, ଅଭିପ୍ସାର ନିର୍ଯାସ ଯେତେବେଳେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୁଏ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ହୁଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଲେ ସାର୍, କବିତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିଏ ମନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର, ତେଣୁ ଆଠୁ ଆଉ କ'ଣ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇପାରିବ? ତାହେଲେ ଏବେ ରାଉରକେଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଏଠି ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ହେମନ୍ତ ସ୍ମୃତି ମହୋତ୍ସବ ହେଲା, ଏଇ 2 ଦିନ ଧରି ଆମେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଅତିଥି ବୋଲି ପାଇଛୁ। ଆଉ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ରାଉରକେଲା ଗୋଟେ ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, କାରଣ ରାଉରକେଲାରେ ବହୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଏଠି ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଆକୁ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଏଠି ଓଡ଼ିଆକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକୁ କହୁଥିବ ଖେଳନେ କେଲିଏ ଚଲୋ, ଖେଳିବାକୁ ଯାଉ ବୋଲି କୁହେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳକୁ ବି ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ବହୁତ ସାଧନା ନିଷ୍ଠା ଏଠି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଜଣେ ସଭାପତି ଭାବେ ଆପଣ କ'ଣ ରଖିବେ ବକ୍ତବ୍ୟ? ରାଉରକେଲା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ସହର ନୁହେଁ, ରାଉରକେଲା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହର। ରାଉରକେଲାରେ 1950 ମସିହା ପରେ 57 ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ତାପରେ ରାଉରକେଲା ସହରର ଯେଉଁ ଚେହେରା ଥିଲା ସେ ଚେହେରା ବଦଳିଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଭାରତବର୍ଷର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଦାୟରେ ଏଠି ରହିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଗୋଟାଏ ତ ଥିଲା, ହେଲା ତ ହେଲା, ନହେଲେ ଚାଲ ରାଉରକେଲା। ଆଉ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଜୀବନର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ୟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସାହିତ୍ୟ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି,
से अंचल चालीचलन राउरकेल आसी पहुँचला फल तेणुक राउरकेलार जो लोक अण ओडिया मैंने आसिले भाषा जे केवल ओडिया भाषा को प्रभावित करा नुहे ओडिया भाषा द्वारा से प्रभावित होती अनेक अण ओडिया लोक देखिए से खंडी ओडिया हो पचे ओडिया कहवाक लगी बजार गले देखते ओडिया न कहले से दोकानी बुझीपी तेनालीराम कि चेषा कर गोटे भाषा सहित भाषार संघर्ष घटी गोटे भाषा सहित भाषार संघर्ष है आउ गोटे हाइब्रिड आउ गोटे नुआ भाषा तैयारी होती भावतुन अशुभ लक्षण बोली से प्रभाव को अतिक्रम करा भाषा तिष्ठ रही पार एवं से अणओिया मैंने धीरे धीरे जदि ठीक भाव चर्चा हुए और मनन हुए से भाषा और ओडिया साहित्य को से धीरे धीरे अंगीकार करे आकृष्ट होपण सादरी भाषा कथा मुझे आलोचना करी सादरी भाषा देखिए एपरी सब वोकाबुलरी अच्छी एपरी सब शब्द अच्छी से शब्द ओडिया भाषा मध्य अच्छी तेणुक सादरी भाषा जन चेष्टा करी से कौन से नसिकी आनुष्ठानिक भाव से खूब अल्प दिन भितर सादरी भाषा को आयत्त कर पार तेणुक प्रत्येक भाषार वैशिष्ट अच्छी कि गोटे कथा कह राउरकेल जो लोग जो अच्छा से निज मतृभाषा साहित्यकर्म करूँ निज मतृभाषा को आदर करूँ या फल गोटे संघर्ष हम गोटे समन्वय हम और देखा जा भविष्य में ओडिया भाषा गोटे स्थित में पहुंची ओडिया भाषा विपन्न होवार संभावना एथेरी जे राउरकेला जब विपन्न होता है तेल 57 मसीह एपर्ते भाषा केमती भाषा एत लेखक केमी बाहर एत शिल्पी केमी बाहर तेणुक भाषा भाषार विरोधी नुहे कि भाषा भाषार शत्रु नुहे यहाँ हूँ गोटे भल लक्षण विभिन्न भाषा संस्पर्शे आसिले शब्द आहरण विभिन्न भाषार ओडिया भाषा को आसपार और ओडिया भाषा समृद्ध हो पार यह हूँ मोर विनम्र मत बहुत बहुत धन्यवाद सर सुंदर कथे सार कहले आज राउरकेला स्टील टीवी तरफ आमें ओडिशा साहित्य एकेडमी सभापति डॉक्टर ऋषिकेश मल्लिक सहित साक्षात्कार रोलु राउरकेलार ओडिया भाषार स्थिति को नहीं से बहुत सुंदर उज्जवल भविष्य टे कामना भाषा कौन सी भाषार शत्रु नुहे आम समस्ते निज निज भाषा मातृभाषा निजक तिष्ठ रखापी निजर भाषा को व्यवहार करवा कहिबारे एवं लेखिबारे तेबे जाय आम भाषा बंची रहिबो। धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार।